नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। कार्यालय जिलाधिकारी नियंत्रक नागरिक सुरक्षा प्रयागराज। वैश्विक महामारी विषम परिस्थितियों में सिविल डिफेंस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जिलाधिकारी प्रयागराज 98 सिविल डिफेंस स्थापना दिवस पर जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी DIG सर्वेश त्रिपाठी ने ध्वजोत्तोलन राष्ट्रगान के उपरांत वॉन्टेस वॉलेंटियर को शपथ दिलाई। डिप्टी कंट्रोलर ओमकार शर्मा ने वर्ष भर किए गए कार्य बताए। चीफ वॉन्टेड अनिल कुमार ने मुख्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किया। जिलाधिकारी ने सिविल डिफेंस वॉन्टेस द्वारा COVID-19 वैश्विक महामारी के लॉकडाउन में निष्काम सेवा से जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम वार्ड में मोहल्ला निगरानी समिति में संक्रमित की पहचान व दवा वितरण, राशन वितरण, मास्क वितरण के साथ साथ बुजुर्ग बीमार लोगों के घर तक आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई। प्रवासी मजदूरों, छात्रों को बसों के द्वारा उनके मूल निवास स्थान भेजने के साथ वर्तमान समय में COVID-19 जांच केंद्र पर नागरिकों की जाँच कराने में अपना सराहनीय योगदान दिया है। संगठन को गतिमान बनाए रखने के लिए निरंतरता आवश्यक है, उक्त विचार जिलाधिकारी कंट्रोलर ने कहा। DIG सर्वेश त्रिपाठी ने सिविल डिफेंस का प्रत्येक वॉन्टेज सीधे आम जनमानस से जोड़ा है, जिला व पुलिस प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मुख्य अतिथियों के द्वारा वर्ष भर किए गए कार्यों के लिए वॉन्टेज वॉलेंटियर्स को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली से आई चीफ वॉन्टेज संध्या गौतम, सुधीर सक्सेना, राजीव भानोम, LK अहिवार, रविशंकर द्विवेदी, महेंद्र सक्सेना, RK त्रिपाठी, रामजी पांडे, डॉक्टर रामा सिंह, रौनक गुप्ता, डॉक्टर शशांक ओझा, मोहम्मद याकूब, नागेंद्र अस्थाना, M रॉय, सुरेंद्र यादव, अबरार खां, आशीष वाजपेयी, प्रवीण कुमार, फूलचंद, ललित कुमार, मणि मेहता सहित सभी डिवीजन के पदाधिकारी, वॉन्टेज स्वयं सेवक मौजूद रहे। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट।